आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में जानेंगे। क्या आप बाजार खरीदारी करने जाते हैं? अगर आप आजकल बाजार में बिक रहे दूध, घी, जूस इत्यादि के डिब्बों को गौर से देखें, तो सभी डिब्बों पर 100% शुद्ध या शुद्ध लिखा पाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर शुद्ध का अर्थ क्या है? आप और मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए अगर किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं है, तो हमारे अनुसार वो वस्तु शुद्ध है। लेकिन क्या वैज्ञानिकीय परिभाषा में भी शुद्ध वस्तुओं का यही अर्थ है? नहीं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध प्योर कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इन्हें हम मिश्रण मिक्सचर भी कहते हैं। आइए अब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में कुछ उदाहरणों द्वारा और जानें। आइए हम नमक का उदाहरण लें। क्या नमक एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस है? इसके लिए हम पहले इस बात की जांच करेंगे कि क्या नमक एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। यहां आप नमक में मौजूद सोडियम क्लोराइड के कणों को देख सकते हैं। क्या ये कण एक समान हैं? बिल्कुल। नमक की संरचना सोडियम क्लोराइड के समान अणुओं से बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस है। दोस्तों, हम जानते हैं कि नमक सोडियम क्लोराइड के अणुओं से बना है। क्या हम नमक को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम और क्लोरीन के तत्वों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों को हम किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के तत्वों में पृथक नहीं कर सकते हैं। क्या आप और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? जी हाँ, चीनी, जल, सोना, हीरा, ये कुछ और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या 1 किलो चीनी और 10 किलो चीनी के अभिलाक्षणिक गुण एक समान हैं? बिल्कुल। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण एक समान रहते हैं। आइए अब हम चीनी और पानी के घोल को देखें। क्या ये शुद्ध पदार्थ है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। एक बीकर में हम इस चीनी और पानी के घोल को लें और फिर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करें। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक। वाष्पीकरण के कारण पानी में घुली शर्करा पानी से पृथक हो जाती है। लेकिन क्या हम शर्करा या जल को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उनके अवयवों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनी और पानी का घोल एक अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, जो दो शुद्ध पदार्थ चीनी और पानी से मिलकर बनता है। क्या आप और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का घोल, चाय, मिट्टी, ये कुछ और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं, जो एक
या एक से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस की अच्छी समझ हो गई है। अगले वीडियो में हम अशुद्ध पदार्थों या मिश्रण के प्रकारों के बारे में जानेंगे।